नमस्कार। ये जो 21 दिन का लॉकडाउन है, इन 21 दिनों में हम हमारी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि रोज़ एक वीडियो डालें, छोटा सा वीडियो, क्योंकि ये छुट्टियां नहीं चल रही है। बस ये मैसेज रोज़ देना है और हमको खुद को याद करना है कि हमारे लिए कोई तो भी बाहर लड़ रहा है, और वो बाहर लड़ें और हम घर पे सोए, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हम हमारी तरफ से ये छोटा सा प्रयत्न कर रहे हैं। सही है गलत है पता नहीं, लेकिन हमें यही आता है और हम ये कर रहे हैं। ये एक बात। कल के वीडियो पे बहुत ज़्यादा पसंद आ गए लोगों को कि अपने बच्चों को सपोर्ट करिए वाला जो वीडियो था, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। अलग टॉपिक था, लेकिन कुछ हुआ ऐसा कि कुछ बच्चों से बात हुई तो वो पता भी। क्या 21 दिन में सब लोग है तो ये सब बातें होती हैं, किसी के साथ फोन पे, किसी के साथ कुछ। तो वो बोला कि ये अगर यहाँ पे हो रहा होगा, नागपुर में हो रहा होगा, तो पूरे देश में हो रहा होगा, पता नहीं था। पर आपके जो कमेंट्स देखे हैं तो ये पता चला कि ये कहानी घर घर की है, हर मध्यम वर्ग के घर में ये होता है। तो अच्छा है, यही हमारे वैल्यू सिस्टम्स हैं, चाहे जो भी हो, एक साथ रहना है, माता पिता का आशीर्वाद। अब जो गुड़ी पड़वा जो होता है महाराष्ट्र में, उस दिन वो कडू लिंबाचे जे पानं असतात, म्हणजे कडू असतात ते, सो कडवी चीज का प्रसाद होता है। तो वो लगती कडवी है, लेकिन वो आपके सिस्टम के लिए स्ट्रांग रहती है, ऐसा बोलता है। तो वैसा है, हमारे माता पिता के कड़वे शब्द होते हैं, पर आशीर्वाद है। तो चलिए, बहुत लोगों ने सवाल पूछा कि इंडेक्स फंड क्या है, इसके बारे में बताएं। तो आज का छोटा सा वीडियो इंडेक्स फंड के ऊपर करेंगे कि इंडेक्स फंड होता क्या है। देखिए, ये जो अलग अलग टाइप के फंड्स हैं आपके सामने, उसमें इक्विटी फंड की कैटेगरी यहाँ से शुरू होती है, सेक्टोरल फंड, इक्विटी फंड और इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड अगर आप देखेंगे, विद इन इक्विटी फंड कैटेगरी, इसकी सबसे कम रिस्क है और इसका सबसे कम रिटर्न है। तो इंडेक्स फंड होते क्या हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे, और हम क्यों बार बार इंडेक्स फंड इंडेक्स फंड इंडेक्स फंड बोलते हैं, ये भी इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। इंडेक्स फंड ये क्या करते हैं, इन्वेस्ट इन द सेम स्टॉक्स एज द अंडरलाइंग इंडेक्स एंड इन द सेम वेटेज। एकदम सिंपल काम रहता है कि सेंसेक्स के ये 30 स्टॉक्स हैं, तो ये इंडेक्स फंड इन्हीं 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। दूसरी बात, अगर किसी स्टॉक का 5% वेटेज है, तो ये स्टॉक, ये 100 करोड़ का फंड होगा, तो 5 करोड़ ये उसमें डालेगा। तो इसमें फंड मैनेजर को कुछ सोचना ही नहीं है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, पहले से पता है। और इसलिए दिस किधर गया, दिस इज द चीपेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम इन इक्विटी कैटेगरी। एक्सपेंस कैनॉट बी मोर देन 1.5% ऑफ AUM। ये सेबी का नियम है, बाकी सब में 2.5% होता है इन एक्टिव फंड्स, लेकिन इन केस ऑफ इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड को पैसिव फंड्स भी बोलते हैं। पैसिव फंड्स क्यों, क्योंकि आपको इट्स पैसिव, जैसा इंडेक्स करेगा वैसा ये परफॉर्म करेगा। आप इंडेक्स को बीट भी नहीं कर रहे, आप इंडेक्स को अंडर परफॉर्म तो खैर कोई करना ही नहीं चाहता। तो इट इज़ अ पैसिव फंड, इसलिए कम खर्चा रहता है, और इसलिए ये एक नए इन्वेस्टर ने इसको देखना चाहिए। अब आप बोलेंगे इसमें बेनिफिट क्या है, देखो डाइवर्सिफिकेशन, आपको सेंसेक्स हो तो 30 कंपनियां, निफ्टी हो तो 50 कंपनियां मिलती हैं, इसलिए पहला पॉइंट डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, दूसरे पॉइंट डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेक्टर, सिर्फ कंपनीज नहीं, अक्रॉस सेक्टर्स। क्योंकि आप अगर मान के चलिए रिलायंस ग्रुप देखेंगे, तो वो रिटेल में भी है, वो ऑयल एंड गैस में भी है। आप अगर आदित्य बिरला ग्रुप देखेंगे, तो वो कहाँ कहाँ पे, उनके तो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। तो बड़ी से बड़ी कंपनियाँ हैं, एक्सपोर्ट्स है, लोकल मार्केट है, तो आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है अक्रॉस कंपनीज, अक्रॉस सेक्टर्स। और दूसरी बात, एक्सपोर्ट्स का भी रहता है। दूसरी बात,
लीडिंग कंपनीज ऑफ इंडिया, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, तो आपको इनमें सब में एक साथ एक्सपोजर मिल जाता है अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हो। एक और आपको बताना आवश्यक है कि एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम जो है पीएफआरडीए का, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलप, उसमें अगर आप जो इक्विटी ऑप्शन लेंगे तो इक्विटी में भी इंडेक्स फंड का ही प्रोविजन दिया है या अलाउ केवल इंडेक्स फंड में, यानी कि आप इक्विटी भी अगर चूज करते हो तो बिकॉज इट इज लोएस्ट कॉस्ट। इक्विटी का इसका कंसेप्ट ये जॉन बोगल ने लाया था, जॉन बोगल की अभी मृत्यु हुई कुछ महीने पहले, उनका निधन हुआ, बट ही वॉज द पर्सन की हु पॉपुलराइज्ड इंडेक्स फंड्स। और कई बार वॉरेन बफेट भी बोलते हैं कि इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, पैसिव इन्वेस्ट करो, दैट इज द बेस्ट। सो एक छोटे निवेशक के लिए पहली स्टेप ये इंडेक्स फंड हो सकती है। आप इंडेक्स को सीधा, निफ्टी कहाँ गया, सेंसेक्स कहाँ गया, आप जो पूछते हो वो सीधा सीधा आप इसमें बाय कर सकते हो। ये हो गया इंडेक्स फंड। अभी इसका एक और थोड़ा सा भाई है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अभी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आपको सेम वही है, इंडेक्स फंड ही होता है, लेकिन आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड की जगह नहीं, इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट लगेगा, आप ये आपके ब्रोकर के थ्रू खरीदेंगे। अगर आपको ईटीएफ खरीदना है तो आप ब्रोकर के थ्रू ईटीएफ खरीद सकते हो। अगेन आप मान के चलिए 100 रुपए का अगर कोई ईटीएफ का एक यूनिट है, यूनिट होता है म्यूचुअल फंड में, तो आप वो यूनिट खरीदेंगे। जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं, आपने मान के चलिए टीटीके खरीदा, एमआरएफ खरीदा, जो भी स्टॉक्स खरीदे आपने, तो वैसे ही आपने ऑर्डर डाला कि बाय वन यूनिट ऑफ इंडेक्स ईटीएफ, तो वो 100 रुपए जो आपके रहेंगे वो पूरे इंडेक्स में इन्वेस्ट हो जाएंगे, ऐसा उसका मतलब है। तो जो एएमसी होती है वो आपके जैसे छोटे छोटे निवेशकों का पूरा पैसा लेके, मान के चलो 100 रुपया एक एक निवेशक ने दिया और 100 करोड़ हो गया, तो वो एएमसी 100 करोड़ रुपया अलग अलग स्टॉक्स में वैसे ही इन्वेस्ट करेगी जैसा इंडेक्स है, सेम स्टॉक सेम वेटेज। तो वही है, इसका एक्सपेंस तो और भी कम होता है, आई थिंक 0.5% के आसपास होता है, क्योंकि इसके एक्सपेंस रेशियो और भी कम होते हैं। ये आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इसका बहुत कम होता है एक्सपेंस, अगेन इट इज वेरी लेस, पर आपको यहाँ पे डीमैट और ब्रोकरेज और वो सारे भी चार्जेस लगते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो एक छोटे निवेशक ने स्टार्टिंग में, पहले इसके लिए इंडेक्स फंड आना चाहिए। हिंदुस्तान में कई बार आप लोग सवाल पूछते हो कि कोई इंडेक्स फंड का नाम बताओ, कोई इंडेक्स फंड का नाम, देखिए हम लोग नाम नहीं बता सकते, और लेकिन हिंदुस्तान में जो 40-45 से ज़्यादा एएमसीज हैं अभी, 40+ एएमसीज, एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी म्यूचुअल फंड, इनके अगर आप वेबसाइट्स पे जाएंगे तो हर एक का इंडेक्स फंड होगा, चाहे निफ्टी का होगा चाहे सेंसेक्स का होगा। कौन सा अच्छा है, इंडेक्स निफ्टी का अच्छा है, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के 19-20 लगभग वही होगा। कभी कुछ पीरियड में किसी ने दिया होगा पॉजिटिव, कभी कुछ पीरियड में किसी ने निगेटिव, वो हो सकता है, पर ब्रॉडली सेंसेक्स निफ्टी क्योंकि एक साथ चलते हैं तो इंडेक्स फंड्स भी एक साथ चलेंगे ब्रॉडली। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, लार्जर द फंड साइज लेसर विल बी द कॉस्ट, क्योंकि एक फंड का 100 करोड़ साइज है, एक फंड का 500 करोड़ साइज है, तो 500 करोड़ वाला जब शेयर्स खरीदेगा, स्टेट बैंक के शेयर्स खरीदेगा, वो ज्यादा यूनिट में खरीदेगा, रिलायंस के, ओएनजीसी के, कोई भी, वो ज्यादा यूनिट में करेगा, और इसलिए वो ब्रोकर से निगोशिएट अच्छा कर पाएगा, और इसलिए वो ब्रोकरेज अपना और कम करा के लेगा। तो इसलिए, और इंडेक्स फंड तो सभी इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो एक सरी का ही रहेगा, चाहे एबीसीडी फंड हो, चाहे पीक्यूआरएस फंड हो, चाहे एलएमएन हो, चाहे 50 फंड है, और 50 फंड हाउसेस के अगर आप सेंसेक्स फंड देखेंगे तो सबका वही रहने वाला है पोर्टफोलियो, क्योंकि इंडेक्स जो है वही उसको मिरर करना है, पैसिव है। तो फिर फर्क कहाँ पे रहेगा कि कौन अपने कॉस्ट अच्छे से मैनेज करता है, और इसको नाम दिया गया है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर ये इंडेक्स फंड का एसिड टेस्ट है, ऐसा आप बोल सकते हो, जिसका ट्रैकिंग एरर लोएस्ट वो इंडेक्स फंड अच्छा। अभी एक महीने में ये फंड का लोएस्ट है, दूसरे महीने में वो फंड का लोएस्ट है, ये भी हो सकता है, तो 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन जो फंड ज्यादा बड़ा रहेगा उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है, जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ेगा वैसा वैसा आपका पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होते जाएगा, सो वॉल्यूम का एडवांटेज आपको मिलेगा। तो ये होता है
एक तरीका इंडेक्स फंड ढूंढने का, आप देख सकते हो कौन से एएमसीज हैं, उसका एयूएम कितना है। एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो कौन सी एएमसी है उसका एयूएम कितना है। आपको ये करने के लिए कोई इंटरमीडियरी की आवश्यकता नहीं है, इंटरमीडियरी ऑब्लिक एजेंट ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर की आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग अपने आप को एडवाइजर कहलाते हैं लेकिन उनको कुछ पता नहीं होता है, इसलिए आप अगर किसी के थ्रू जा रहे हैं तो सही में देखिए कि वो सही में एडवाइजर है क्या, नहीं तो आप खुद पढ़ाई करिए और आप सिर्फ किसी की मदद लीजिए वे सब आपका पेपर वर्क वगैरह करने के लिए। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन भी हो गया, बीएससी का भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एनएससी का भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सभी म्यूचुअल फंड्स के वेबसाइट्स हैं जहां आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो केवल इंडेक्स फंड अगर करना है तो आपको और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको करना है तो आप कोई एडवाइजर या एजेंट आप देखिए। और लास्ट में अगर आपको सब कुछ करने के बाद अगर आपको, क्योंकि ये एक सवाल है जो हरदम आता है कि फिर भी नाम बताओ हमको इन्वेस्टमेंट करके दो, तो शैलेश सर का नंबर है अगर आपको सब, लेकिन ये लास्ट स्टेप रखिए, सब 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 कर लीजिए, वेबसाइट ढूंढिए नहीं, क्योंकि अगर सब लोग शैलेश सर को फोन करने लगे और वो यही एक 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 एक, एक जवाब देने लगे तो आप ये भी सोचिए कि फिर आप बोलेंगे कि फोन कर रहे हैं लेकिन हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो जितना पॉसिबल है उतना आप खुद पढ़ाई करिए, कुछ ज्यादा डिफिया किसी ने अगर क्वेश्चन किया इसमें कमेंट्स में और अगर आपको उत्तर पता होगा तो आप उसी में उसको, तो कम्युनिटी हेल्प करिए एक दूसरे को। और कौन सा इंडेक्स फंड देख सकते हो क्या कर रहे हैं, रिकमेंड कोई मत करो लेकिन आप ये देख सकते हो आप वो देख सकते हो। आप सब भी अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो सभी को बेनिफिट होगा, ना कि किसी एक व्यक्ति पे, शैलेश सर पे या मुझ पे या शिवानी मैडम, किसी एक व्यक्ति पे आने से अच्छा है। आज हम 2.25 लाख की कम्युनिटी है, तो ये 2.25 लाख की कम्युनिटी ने अगर सबने एक दूसरे को नॉलेज शेयरिंग किया, आपके कमेंट्स में से मुझे भी कई बार नई चीजें पता चलती है, तो हम सबको एक दूसरे का बेनिफिट मिलना चाहिए। इसलिए आपसे विनंती ये है कि अगर आप में से किसी को कुछ पता होगा आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, किसी ने सवाल पूछा या आपको कुछ डालना है तो कमेंट में डालिए, सो दैट एवरीबडी गेट्स बेनिफिटेड ऑफ द कलेक्टिव नॉलेज, ना कि ये कि अरे मुझे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है अभी, चलो शैलेश सर को फोन कर दो फिर वो आपको बात करिए। आप ये मत समझिए कि हम ना बोल रहे हैं, पर एट द सेम टाइम देखो मीन्स खुद को डेवलप, पूरा उद्देश्य ये है कि खुद को ऊपर खींचना है, पूरा उद्देश्य एक टारगेट खुद के लिए बना के रखो कि अगले 20 साल में आपका पोर्टफोलियो 100 करोड़ का होना चाहिए, टारगेट ये रखो। अब अगर आपको अगले 20 साल में आपका पोर्टफोलियो 100 करोड़ का होना चाहिए, आप जितने जल्दी खुद चलने लगेंगे ना कि किसी की मदद से, उतना आपका, आपको सपोर्ट चाहिए तो अपनी कम्युनिटी है 2.25 लाख की, वो और बढ़ेगी, और फिर शैलेश सर है, शिवानी मैडम है, मैं हूँ, वो तो करेंगे, पर चलना तो आपको है। इसलिए पहला कदम आप उठाएं, इंडेक्स फंड्स के बारे में ढूंढे, सब लोग एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करें, एंड दैट इज हाउ वी कैन ग्रो एज अ कम्युनिटी एंड एज अ कंट्री। ये चाइना वायरस का टाइम ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, और जब ये खत्म होगा, कल जो न्यूज आई कि वर्ल्ड बैंक आईएमएफ जो भी है वो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी, लेकिन सिर्फ चाइना और इंडिया दो कंट्रीज हैं कि जो रिसेशन को एस्केप करेंगे, ऐसी न्यूज आ रही है। तो भैया सोच लो अभी अगर ये बोल रहे, एक तो वो है कि जिसने पूरा प्रॉब्लम खड़ा किया। अच्छा आपको एक और बात बता देता हूँ, आप वेब पे पढ़िए, एक वेट मार्केट, लेट मी राइट डाउन हियर, वेट मार्केट करके एक है चाइना में, जहाँ जहाँ पे बैट्स डॉग्स चमगादड़ कुत्ते ये सब वो लोग बेचते हैं, तो वो वापस शुरू हो गया है चाइना में। एंड ये जो वायरस है, कोरोना वायरस इज अ हिस्ट्री फॉर देम, ऐसा एक वेबसाइट में लिखा है कि दे आर नॉट बॉदर्ड नाउ अबाउट ऑल दोज थिंग्स करके। कौन बॉदर है? अमेरिका लॉकडाउन में, इंडिया लॉकडाउन में। तो ये समझो, ये समझो, इसलिए इंडिपेंडेंट बनो, ऐसे टाइप की परिस्थिति आ जाएगी। वो लोग चालू भी हो गए अपना, उनका काम चालू हो गया, पीपल आर स्टार्टेड वर्किंग देयर, एंड हम लोग यहाँ पे अभी और 14 दिन हमको बैठना है यहाँ पे, चाहे अमेरिका में चाहे जो भी है। तो जितना हो सके उतना हर एक चीज का नॉलेज लीजिए, इंडिपेंडेंट बनिए, एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट इन अ स्मॉल स्टेप्स, छोटी छोटी स्टेप में डेली एसआईपी लगाइए, चाहे मंथली वीकली जो भी एसआईपी लगाइए। तो ये होता है इंडेक्स फंड, एक छोटे इन्वेस्टर के लिए 500 रुपये 1000 रुपये हर महीने से आप स्टार्ट कर सकते हो,
250 रुपये 500 रुपये रोज का भी आप कुछ कुछ फंड्स आपको दे रहे हैं, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। प्लीज नाम मत पूछिए, हम नाम नहीं बताते, हम कुछ तो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का वीडियो लेट इसलिए आ रहा है क्योंकि हम कुछ तो भी कर रहे हैं, शायद कल वो हम कर सकेंगे, और अगर वैसा होता है तो आपको दिखेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वायरस से लड़ना है हमको, घर में बैठ के ही लड़ना है, हाथ धोना है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने वृद्ध माता पिता को बाहर मत जाने दीजिए, खुद भी हेल्थ की टेक केयर करिए। अगर कहीं से आपको पता चलता है कि कहीं पे ब्लड डोनेशन की आवश्यकता है और अगर आप कर सकते हो तो उसकी सेहत का ध्यान देके वो भी करिए, और पढ़ते रहिए। अच्छा समय है, 21 दिन का मिला है हमें पढ़ाई करने का, खुद को ग्रो करने का, तो करते हैं, वही करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, स्टे सेफ, जय हिंद।